जिले में 229 भट्टे संचालित है जिनमें लगभग 23,000 मजदूर काम करते हैं, लेकिन इन मजदूरों की हालत खस्ता है। चिकित्सा सुविधा का अभाव है, न राशन मिलता है, न बच्चे आंगनवाड़ी का लाभ उठा पाते हैं, शिक्षा की रोशनी से भी दूर है। कहा जाए तो शासन से मिलने वाली कोई भी सुविधा ही नहीं मिलती है। इनमें अधिकांश भट्टा श्रमिक गैर प्रांतों में हैं, जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आए हैं। छोटी छोटी बातों के लिए भट्टा मालिकों से पैसे उधार लेकर उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। इस संबंध में बातचीत करने पर मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने कहा कि श्रम अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत हुई है। उन्हें भट्टा में काम करने वाले महिला और पुरुष समिति सहित बच्चों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को भी आकलन करने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के साथियों के द्वारा इस विषय पर ध्यान दिया दिलाया गया था और इस संबंध में आज श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक की है और उन्हें आज शाम तक का समय दिया गया है कि ईंट भट्टा संघ एसोसिएशन से वो बात कर लें और जितने भी उनके पास श्रमिक हैं, इसमें महिला पुरुष और अगर वहाँ पर कोई बच्चा है उनके परिवार का है, तो उनको क्या सुविधाएँ मिल रही हैं और किन सुविधाओं से वो वंचित हैं, उनकी एक सूची 5 बजे तक का समय दिया गया है। इस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।